नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आखिरकार इंडिया का पहला सोशल मीडिया ऐप आ गया है। ये ऐप फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों से बेहतर है और दोनों के ही मजे आप इस ऐप में ले सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई को इसको लॉन्च किया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इसे किस तरह से डाउनलोड करेंगे, किस तरह से इसको रजिस्टर करेंगे, इसमें हम लोग अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे और पोस्ट कैसे करेंगे, इसमें चैट कैसे करेंगे, सारी चीज़ें कुल मिला के कम्प्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर पर आपको लिखना है एलिमेंट्स, ELY। देखिए सबसे ऊपर आ गया एलिमेंट्स, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल लिखा आ रहा है, 59 MB का ये ऐप है, आप इसको इंस्टॉल को क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल होने लगेगा। चलिए इस समय ये डाउनलोड हो चुका है, ये ओपन का जो बटन आ रहा है उसको हम क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा, यहाँ लिखा है गेट स्टार्टेड, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे वो अपनी लैंग्वेज पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में इसको चलाना चाहेंगे। अगर आप हिंदी चलाना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश चलाना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस लैंग्वेज में आपको ज़्यादा इजी रहे आगे, मान लीजिए आपको आर्टिकल्स पढ़ना है, न्यूज़ पढ़ना है, ये सब चीज़ पढ़ने के लिए अगर आपके लिए इंग्लिश सही है तो आप इंग्लिश चुनिए, अदरवाइज आप हिंदी को भी चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर इंग्लिश को चूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये नया इंटरफेस आया, यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, नीचे आपका फ़ोन नंबर मंगा जा रहा है, तो मैं अपने फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। वेरिफिकेशन कोड पूछ रहा है, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। ये मैंने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है, अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। चलिए जैसे हम वेरिफिकेशन कोड डालते हैं आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोटो लगाना है तो आप ये जो कैमरा का साइन दिख रहा है उसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से अलाउ करेंगे। इसके बाद आपको जो फ़ोटो लगाना है आप यहाँ फ़ोटो लगा सकते हैं। ये मैंने फ़ोटो को ही क्रॉप कर ली है और ये फ़ोटो मैं यहाँ लगा सकता हूँ। देखिए फ़ोटो लग चुकी है। अब मैं फर्स्ट नेम पे जाऊँगा, मेरा फर्स्ट नाम डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं अपना सरनेम डालता हूँ, इसके बाद मैं पासवर्ड अपना जो भी रखना चाहता हूँ वो रख लेता हूँ। फिर इसी पासवर्ड को आपको कन्फर्म भी करना है, यानी रीटाइप पासवर्ड करना है। पासवर्ड रखते समय ध्यान रखना है आपको कि आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लेना है। दूसरी बात ये कि उसमें अपर केस लोअर केस दोनों होना चाहिए और एक नंबर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का आप पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट की जो बटन है उसको आप क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ तक आपने अपना काम कर लिया है। अब यहाँ पे आ रहा है स्निक माय फ़ोन बुक। ये फ़ोन बुक के लिए इसलिए पूछ रहा है कि यही जो ऐप है वो आपका व्हाट्सएप का भी काम करेगा, इसलिए आप यहाँ पे स्निक माय फ़ोन बुक कर लीजिए। चलिए तो इस समय मेरी सारी जो फ़ोन बुक है वो स्निक हो चुकी है, मतलब इस ऐप के साथ मेरी फ़ोन बुक स्निक हो चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो इन सभी लोगों को इन्वाइट कर सकता हूँ या ऐड कर सकता हूँ। मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ लिखा है वेलकम टू एलिमेंट्स, क्रिएट पोस्ट, एड स्टोरीज, पे बिल्स एंड मूव थ्रू द ऐप यूजिंग द बिलो एक्शन आइकन्स। यहाँ इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये टैप टू कंटिन्यू, इसके ऊपर आप कंटिन्यू कर दीजिए। मतलब इस समय आपने एलिमेंट ऐप के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया है। अब ऐप को कैसे अपडेट करते हैं अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए नीचे आपके पास कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, 5 आइकन्स दिख रहे हैं, मैं उसी को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हब दिख रहा है, ये हब है, हब को क्लिक करा हमने। चलिए इस हब में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूज़ है आपके पास, यहाँ पे हेल्थ एंड लाइफस्टाइल है, बॉलीवुड है, शॉप्स है, फैशंस है, कैमरा है और स्पोर्ट्स है। ये सारी चीज़ों के इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं उस लैंग्वेज में जिसको आपने पहले सेलेक्ट किया था। मान लीजिए आपको आपको चेंज करना है लैंग्वेज, तो आगे जाके आप वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपका हब। सेकेंड नंबर है सोशल, ये सोशल है, ये सेम टू सेम फेसबुक की तरह चलता है। जिस तरह से आप फेसबुक में अपने फ़ोटो पोस्ट कर सकते हो, अपने वीडियो पोस्ट कर सकते हो, अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, सब कुछ इसमें भी हो सकता है। जैसे फेसबुक में होता है वैसे आप इसमें भी कर सकते हो। सपोज़ करिए कि मैं आपको देखें क्रिएट पोस्ट लिखा, सबसे पहले प्लस का साइन दे रखा है, मैं प्लस के साइन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ भी अपनी तरफ से यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा हाय, ये हाय लिख दिया। अब इतने सारे कलर्स हैं, मैं चाहूँ तो इसके कलर चेंज भी कर सकता हूँ, ये सब कलर चेंज हो रहे हैं, इस तरह से आप कलर चेंज भी कर सकते हो। और ऊपर देखिए राइट हैंड टॉप के ऊपर पोस्ट का साइन, पोस्ट लिखा हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये चीज़ पोस्ट हो जाएगी।
ओके। दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको, कैमरा लिखा आ रहा है, फोटोज़ एंड वीडियोज़ लिखा आ रहा है। कैमरा मतलब जो कि आप एट ए टाइम अगर कोई फ़ोटो खींच के सेंड करना चाहते हो या पोस्ट करना चाहते हो फेसबुक की तरह, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइव चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया कैमरा का। सेकंड नंबर पे है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, यानी वो फ़ोटो या वो वीडियो जो आपकी गैलरी में ऑलरेडी रखा है, आप उसको भी इसके थ्रू सेंड कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। देखिए जैसे मैं फ़ोटो और वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी गैलरी ओपन हो गई है। अब इसमें से मैं कुछ भी चीज़ पोस्ट कर सकता हूँ। सपोज़ करिए मुझे ये इमेज पोस्ट करना है, देखिए इमेज है। अब इसको मैं ये जो एरो का साइन है इसके ऊपर, और हाँ इस इमेज का आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो, जैसे स्क्वायर साइज में लेना हो, लैंडस्केप में लेना हो, पोर्ट्रेट में लेना हो, ऐसे किसी भी साइज में लेके आप इसको यहाँ से पोस्ट कर सकते हो। यहाँ से ये एरो का जो साइन दिख रहा है इससे आप इसको पोस्ट कर सकते हो, मतलब इस समय आपने इसको अपलोड कर दिया है। ऊपर पोस्ट का ऊपर पोस्ट लिखा हो, वहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ करिए आपको कोई वीडियो पोस्ट करना है, तो आप फिर से आप गैलरी में जाएंगे और वीडियो कोई सा भी निकाल के उसको पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। इस टाइप से आप वीडियोज़, फ़ोटोज़, लाइव वीडियो और लाइव फ़ोटो भी आप इससे पोस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप फेसबुक में करते थे। यहाँ पे आप ये भी चेंज कर सकते हो कि आपका जो पोस्ट है वो कौन कौन देखे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एवरीवन, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपके जो पोस्ट है उसको कौन कौन देख सकता है। एवरीवन, माय फ्रेंड्स, माय मी, ये सभी ऑप्शन है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको रखना चाहते हैं आप इसमें रख सकते हैं। ये तो हो गया पोस्ट करने की बात। अब मान लीजिए किसी ने पोस्ट किया है, वो आप कहाँ से देखेंगे, तो ये डिस्कवर लिखा है, डिस्कवर पर जाएंगे आप, और ये सारे लोग जिन्होंने अभी तक इस पर पोस्ट किया है या कुछ लिखा है, वीडियो शेयर किए, वो सारी चीज़ आप डिस्कवर पे देख सकते हो। श्री श्री रविशंकर जी भी इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये तो हो गया सोशल की बात, यानी कुल मिला के फेसबुक जैसा इंटरफेस वाली चीज़ों की बात, यानी यहाँ से आप फेसबुक चला सकते हो कुल मिला के। अब हम चलते हैं चैट वाले ऑप्शन पर। ये चैट ऑप्शन है, यहाँ से आप पूरे तरीके से WhatsApp चला सकते हो। जिस प्रकार से WhatsApp आप चलाते हो बिल्कुल सेम टू सेम, इसको भी आप WhatsApp की तरह ही चला सकते हो, और बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छा चला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस का साइन बना हुआ है, प्लस के साइन पे जाएंगे और यहाँ न्यू कन्वर्सेशन है, यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को ढूंढ सकते हो। यहाँ ऊपर देखिए एक सर्च बार दे रखा है, वहाँ से अपने फ्रेंड को ढूंढ सकते हो। यहाँ देखिए मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे मैं यहाँ से उनसे चैट कर सकता हूँ। सपोज़ करिए मैंने एक फ्रेंड को लिया, मेरे को यहाँ लिखना है हाय, ये मैंने हाय लिख दिया, जब भी उसका रिप्लाई आएगा वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये तो हो गया चैटिंग, यानी कि आपने क्या किया, लिखकर चैटिंग की। लेकिन आप लिखकर चैटिंग नहीं करना चाहते, आप बोल के चैटिंग करना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में एक माइक का ऑप्शन दे रखा है, उस माइक के ऑप्शन को जैसे आप प्रेस करेंगे, हेलो, चलिए देखिए इस समय मैंने जो बोला था वो भी पोस्ट हो चुका है, ओके। इस तरह से आप बोल के भी पोस्ट कर सकते हो, बोल के भी चैटिंग कर सकते हो। इसके बाद माइक के जस्ट बगल में एक आइकन दिया है कैमरे का, तो कैमरे के आइकन से आप तुरंत फोटो खींचकर आप सेंड कर सकते हो, तुरंत वीडियो बनाकर आप सेंड कर सकते हो, इसलिए है ना ये लाइव के लिए है। इसके बगल में देखिए एक पिन का ऑप्शन दे रखा है, उस पिन के ऑप्शन को जैसे हम क्लिक करते हैं तो थ्री ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्स, गैलरी और कैमरा। कैमरा तो वही जो तुरंत फोटो खींच के अगर आपको देना हो तो वो कैमरा है। इसके बाद गैलरी, गैलरी में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो आपके फ़ोटो रखे हुए हैं या कोई वीडियो रखे हुए हैं तो आप यहाँ से उनको सेंड कर सकते हो, ठीक है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में करते हैं। इसके बाद लास्ट में देखिए डॉक्यूमेंट्स लिखा है, डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मैं चाहूँ कि मेरे को सेंड करना है किसी को, तो मैं यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स लिया, सेंड दबाया, देखिए डॉक्यूमेंट्स पहुँच गया। इसी प्रकार की आप कोई भी चीज़, चाहे वो PPT हो या फिर वर्ड फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, PDF फाइल हो, किसी भी टाइप की फाइल आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। किसी भी फॉर्मेट का वीडियो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट की इमेज आप यहाँ से सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसे आप व्हाट्सएप में करते थे वैसे की वैसे आप इसमें कर सकते हो। आप जिससे बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आइंदा से मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, तो आप देखिए ऊपर थ्री डॉट को टेप करेंगे तो आप यहाँ से उसको ब्लॉक भी कर सकते हो। अगर आपको देखना कि वो किस प्रकार का व्यक्ति, मतलब उसके प्रोफाइल को पढ़ना चाहते हो, तो व्यू प्रोफाइल पे जाइए, उस पर्टिकुलर जो जिससे आप बात कर रहे हैं उसका पूरा प्रोफाइल यहाँ से आ जाएगा। साथ ही आप ये चाहते हो कि ये जो अभी कलर दिख रहा है बैकग्राउंड कलर, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको एक मल्टी कलर या बहुत अच्छे कलर चाहिए आपका बैकग्राउंड में, तो आप यहाँ फिर से टैप करेंगे थ्री डॉट को और
चेट बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे। यहाँ गैलरी से जो भी आप बैकग्राउंड लाना चाहते हैं ला सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने ये बैकग्राउंड ले आया हूँ, देखिए ये बैकग्राउंड चेंज होगा, अब सारा जो मेरा चैटिंग होगी वो इस बैकग्राउंड के ऊपर होगी। इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको 3 ऑप्शंस बता दिए हैं, अब आता है अलर्ट्स। अलर्ट्स पे जाएंगे आप तो यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वेस्ट आई है, मान लीजिए किसी ने आपको रिक्वेस्ट भेजी तो वो आपको यहाँ से दिख जाएगी, या कोई नोटिफिकेशन आया वो आपको दिख जाएगा, कोई एक्टिविटीज़ किसी ने सेंड किए वो आपको यहाँ से दिख जाएगी। तो ये है अलर्ट। फिर लास्ट में आता है सेटिंग। सेटिंग पे जाएंगे हम, देखिए सेटिंग का है यहाँ पे। सबसे पहले आपको ऊपर प्रोफाइल है आपकी, यानी आपको अपने को प्रोफाइल पिक चेंज करनी है तो आप प्रोफाइल पिक यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये लिखा इस पर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आ गया एडिट प्रोफाइल। आप एडिट प्रोफाइल पे जाओगे, वहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है इसका मैनेज माई एलिमेंट्स हैंडल, आप यहाँ से अपना एलिमेंट हैंडल बना सकते हो। जैसे आप ट्विटर का हैंडल होता है, जिस प्रकार से आप और भी हैंडल यूज़ करते हो, इसी प्रकार यहाँ पर भी हैंडल है, आप अपना अपना खुद का एक हैंडल बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद अकाउंट सेटिंग है। अकाउंट सेटिंग पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपका नाम अगर चेंज करना चाहते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल, कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। फिर प्राइवेसी सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग पे जैसे आप जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपकी आपकी प्रोफाइल कौन देख सकता है, या आपके पोस्ट कौन देख सकता है, ये सारी चीज़ें आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग है, इसमें भी सारी सेटिंग नोटिफिकेशन के लिए, आप जिस नोटिफिकेशन को लेना चाहते हो उसको लीजिए, बाकी को बंद कर दीजिए। ओके, इसके बाद चैट मीडिया सेटिंग लिखा, इसको आप जरूर चेंज कर लेना। इसमें लिखा ऑटो डाउनलोड मीडिया, यानी जो भी मीडिया आएगा इसके ऊपर वो सारे डाउनलोड हो जाए, तो उससे क्या होगा, बहुत सी अनवांटेड चीज़ें आती है, फालतू में डाउनलोड होगी तो आपका डाटा जाएगा, इसलिए आप उसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इसी टाइप से लिखा सेव टू कैमरा रोल, यानी कि कैमरे की कोई चीज़ आ रही है इसमें तो उसको भी आप बंद कर दीजिए, यानी कुल मिला के जब आपको ज़रूरत हो तो ही चालू करिए, अदरवाइज इसको बंद रहने दीजिए। स्निक माय फोन बुक नेक्स्ट है, वो हम कर चुके हैं पहले ही। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हो। तो ये था ट्यूटोरियल जिसके थ्रू मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, बहुत ईजी। वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ये हमारे देश का है, हमारा अपना है, सुरक्षित है, सिक्योर है और ट्रस्टेड है। और अगर हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें इस प्रकार के छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड करें और खुद भी करें, दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। और थोड़े दिन बाद सभी लोगों के पास यही होगा तो आपको ना तो व्हाट्सएप की याद आएगी और ना ही फेसबुक की। तो चलिए फिर, कैसा लगा आपको ये वीडियो और उसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।